राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के हमारे दो छात्र भी देंगे आसमान, दोनों बने वायुसेना में फाइटर पायलट। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़े छात्र फ्लाइंग ऑफिसर सौरभ कुमार एवं फ्लाइंग ऑफिसर रोहित तिवारी ने 19 जून 2021 को एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद से पासिंग आउट परेड उपरांत भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बन गए हैं। दोनों छात्रों ने विद्यालय में पढ़ते हुए NDA की परीक्षा पास की थी। विदित हो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने इस वर्ष सेना में 12 अफसर दिए हैं। फ्लाइंग ऑफिसर सौरभ कुमार एवं फ्लाइंग ऑफिसर रोहित तिवारी बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। सौरभ कुमार निकटवर्ती भरतपुर जिले के निवासी हैं। वह उनके पिताजी राजवीर सिंह चौधरी राजस्थान पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पद पर कार्यरत हैं। वहीं फ्लाइंग ऑफिसर रोहित तिवारी के पिता राजेश कुमार ने भारतीय थल सेना में हवलदार रहते हुए देश को अपनी सेवा दी है। ये मूल रूप से ग्राम खुर्रमपुर जिला अलीगढ़ के निवासी हैं। विद्यालय परिवार ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए दोनों छात्रों एवं उनके परिवार को बधाई प्रेषित की है तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यालय के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा TPC ने इस सफलता का श्रेय छात्रों अध्यापकों एवं समस्त स्टाफ के कठोर परिश्रम व वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने कामना की है कि विद्यालय इसी प्रकार होनहार वीर सपूत देश सेवा के लिए देता रहेगा। गल्ला मंडी धौलपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू। राज्य सरकार के आदेश पर गल्ला मंडी धौलपुर में समर्थन मूल्य पर किसानों की गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 29 जून 2021 है। समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र धौलपुर के ठेकेदार गिरीश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार 1975 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया है, जिसके आधार पर किसान के गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों को क्रय विक्रय धौलपुर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज लगाने होंगे। यदि किसान के पास कोई दस्तावेज नहीं हो तो उसके लिए उसे शपथ पत्र देना होगा। ठेकेदार शर्मा ने बताया कि गेहूं खरीद के 1 से 2 सप्ताह में किसान का सरकार की ओर से बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा। आज से धौलपुर गल्ला मंडी में सरकार द्वारा तय निर्धारित दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है, जिसका मूल्य 1975 रुपये है। यह खरीदी सरकार द्वारा 29/6/2021 तक लगातार की जाएगी। कोई भी किसान यहाँ आकर के धौलपुर तहसील का अपना रजिस्ट्रेशन क्रय में कराए और यहाँ पे गेहूँ दे सकता है। 3 अवैध बंदूक व कारतूस सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। DST टीम व कंचनपुर थाना पुलिस ने मठ जरारी के पास की संयुक्त कार्रवाई। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने DST टीम धौलपुर के साथ आज मंगलवार को SP केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार, 3 बंदूक, 315 बोर, 9 जिंदा कारतूस सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल नारायण सिंह व कांस्टेबल बीरबल को मुखबिर से सूचना मिली के आधार पर थाना इलाके के मठ जरारी के पास स्थित ईंट के भट्टों के पास DST टीम के साथ मिलकर थाना पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें मौके से मुकेश गोस्वामी पुत्र कंचन उम्र 30 साल निवासी मठ कंचनपुर धौलपुर एवं सुनील गिरी पुत्र भूपेंद्र गिरी उम्र 18 साल निवासी मठ कंचनपुर धौलपुर को भागते हुए गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि मुकेश गिरी के कब्जे से 2 अवैध हथकड़, बंदूक 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस तथा आरोपी सुनील गिरी के कब्जे से 1 अवैध हथकड़, बंदूक और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने से धौलपुर का मुस्लिम समाज नाराज, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। मुस्लिम समाज धौलपुर के लोगों ने आज मंगलवार को शहर काजी मतीन खागोरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मुस्लिम समाज के लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने बताया है कि सोशल मीडिया फेसबुक पर तिलक पंडित नाम की आईडी से आए दिन धर्म विशेष के खिलाफ गलत पोस्ट डालकर सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस आईडी से आए दिन समाज विशेष के खिलाफ गलत पोस्ट डाली जाती है, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में रोष है। मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर की ओर से उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। अहले मुसलमान और अहले हिंदुस्तान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो माहौल हमारे धौलपुर शहर का है, जिसकी दाद दीगर शहरों में दी जाती है, उसको कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा है और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो भी भोज होते हैं, खाने शादी ब्याह होते हैं, तो अपनी हिंदू भाइयों की खातिर खाने तक को हम अपने खाने को ख़त्म करके कि हिंदुवानी खाना होगा, हिंदू खाना होगा, उस रस्म को भी अदा करते हैं। हमारे हिंदू भाई आ जाएंगे, उसमें शरीक हो जाएंगे, यानी हमने अपने खान पान को उसको भी उनकी खातिर हम त्याग देते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो किसी समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते, समाज को बदनाम करते हैं, नाम ब्राह्मण लगा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज का ये काम नहीं है। किस तरीके की अभद्र टिप्पणी हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब की शान में कोई शख्स करे, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, उनकी रहमत चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके ऊपर बराबर बरस रही है। जिस तरीके से बारिश का पानी हिंदू के घर पर भी बरसता है, मुस्लिम के घर पर भी बरसता है, उसी तरीके से हमारे पैगंबर की रहमत भी हर घर पर बरसती है। जिसने भी ये गुस्ताखी करी है उसको गुस्ताख। हाँ सर, ये जो फेसबुक पे तिलक पंडित के नाम से किसी की आईडी है, उसने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ और हमारी पवित्र कुरान के खिलाफ अपशब्द कहे हैं, तो उसको कार्रवाई कराने के लिए हम आज एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मांग करने आए हैं। समाज में उसके खिलाफ़ काफ़ी रोष है और हम चाहते हैं कि एसपी साहब उसके खिलाफ़ एक्शन लें, जिससे समाज संतुष्ट हो, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपनी आगे की रणनीति मीटिंग करके आगे तय करेंगे। काफी सालों से मैं सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर देख रहा हूँ, जो तिलक पंडित नाम का एक शख्स है जो बादलपुर का निवासी है, उसकी चार पांच फेक आईडी है, जिनसे वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है और हमेशा मुस्लिम विरोधी पोस्टर करता है। तिलक पंडित नाम से बाड़ी का एक लड़का है, सोशल मीडिया पर बहुत अभद्र टिप्पणी एक मुस्लिम धर्म के खिलाफ देता है, और वो काफी दिनों से चार पाँच साल से वो लगा हुआ है, बहुत क्षति होती है। वाजपेयियों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा द्वारा जिले भर में हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत आज जिले के बाड़ी उपखंड स्तर पर भाजपा पदाधिकारियों ने युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय सिंह परमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की। वाजपेयियों का आरोप है कि जिले की पूरी कानून व्यवस्था सत्ता के राजनेताओं के हाथ में है, वे चाहे जैसा वैसा शासन यहां चल रहा है, ऐसे में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और भाजपा पदाधिकारियों के ऊपर एवं उनके परिवारिक जनों पर हमले किए जा रहे हैं, जिनका भाजपा कठोर शब्दों में विरोध करती है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जिस तरह लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट बना के काम कर रहे हैं, जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाना चाहता है उसको, उसके परिवारजनों को, उसके बच्चों को टारगेट बना के काम कर रहे हैं।
चाहे तो इन पे झूठे मुकदमे लगा के इनके इनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। अगर उससे भी व्यक्ति नहीं डर रहा है तो उसे प्राण घातक उसके ऊपर हमले भी कर रहे हैं, उनके बच्चों पे हमले करवाए जा रहे हैं, उनके बुजुर्गों पे हमले कराए जा रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और राज्यपाल महोदय के पास हमने एसडीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इनके व्यवस्था में सुधार लाया जाए, नहीं तो इसके बड़े गंभीर इसके परिणाम निकलेंगे। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279 27 1243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता: आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। पटवारियों के हड़ताल पर होने से किसानों को हो रही परेशानी, भाजपा वसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार और भाजपा वसेड़ी मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम वसेड़ी सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए पटवारियों से सकारात्मक वार्ता कर उनकी हड़ताल को समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि संपूर्ण प्रदेश में 15 जनवरी 2021 से पटवारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है, जिसमें गिरदावरी, पैमाइश, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदाओं का सर्वे, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रों और आमजन को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बेरोजगारी भत्ता आवेदन, सहकारी अन्य बैंकों से ऋण लेने आदि विभिन्न कार्यों के करने के लिए किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह कोहली, मुकेश कौशिक, हरिओम, शिवचरण सिंह, राजू गिरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुधवार को कई इलाकों में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 132 केवी जीएसएस वसेड़ी पर, 132 केवी मेन बस और 132 केवी सरमथुरा फीडर पर रखरखाव कार्य 23 जून बुधवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस वसेड़ी से निकलने वाले सभी 132 और 33 केवी फीडर सरमथुरा, वसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर और नादनपुर एवं इन सभी फीडरों से जुड़े शहरों और गाँव की बिजली आपूर्ति बुधवार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत निगम बसेड़ी के सहायक अभियंता भूदेव अवस्थी ने दी। पशुओं की मौत के बाद हरकत में आया विद्युत निगम, अवैध विद्युत पोल उखाड़े, विद्युत लाइनें की जब्त। सरमथुरा उपखंड में पिछले दिनों अवैध विद्युत लाइनों से पशुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद विद्युत विभाग हरकत में आ गया। इसे लेकर गत रविवार को फर्स्ट ट्रैक के साथ हुई खास बातचीत में विद्युत निगम धौलपुर के एसी वीएल वर्मा ने अवैध विद्युत लाइनों को चिन्हित कर कार्रवाई के संकेत दिए थे। इसके बाद विद्युत विभाग ने सरमथुरा थाना पुलिस के साथ उपखंड धौंद, विरजा और मोहारी क्षेत्र में आज कार्रवाई करते हुए करीब 30 अवैध विद्युत पोलों को मौके पर नष्ट किया। साथ ही मौके से अवैध विद्युत लाइनों को भी जब्त किया गया। वहीं विद्युत विभाग द्वारा कार्रवाई के दौरान एक अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर को भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता आरसी माथुर के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है। डिस्कॉम की कार्रवाई से क्षेत्र में बिजली चोरों में हड़कंप मच गया है। एबीपी बाड़ी की मेहनत रंग लाई, बस स्टॉप के आदेश जारी।
एबीवीपी के जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा राजकीय महाविद्यालय धौरा बाग बाड़ी पर छात्र छात्राओं की सुविधा को देखते हुए बस स्टॉप बनाने की मांग जिला कलेक्टर धौलपुर एवं उप जिला कलेक्टर बाड़ी एवं रोडवेज प्रबंधक धौलपुर से ज्ञापन देकर की गई थी, जिसे लेकर कॉलेज पर बस स्टॉप बनाने के आदेश रोडवेज धौलपुर के मुख्य प्रबंधक की ओर से जारी कर दिए गए हैं। ओमवीर सिंह अंधाना ने बताया कि मुख्य प्रबंधक के आदेश के अनुसार आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, जिसे देखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपस में हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को महाविद्यालय पर मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया गया। कॉलेज पर बस स्टॉप के आदेश जारी करने पर जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, राजकुमार अंधाना, ओमवीर अंधाना, समर्थ गुर्जर, राहुल कौशल, पंकज जादौन, रूपेश शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी हाल में मुख्य प्रबंधक के द्वारा लेटर जारी किया गया है, हमारी मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में आपस में मीठा मुंह करके खुशी व्यक्त की है और मुख्य प्रबंधक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धापुरा गांव के डॉक्टर ब्रजभूषण की व्याख्याता भर्ती में पूरे प्रदेश में 25वीं रैंक। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत विभाग की व्याख्याता परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें जिले के बाड़ी इलाके के बुद्धापुरा गांव निवासी डॉक्टर ब्रजभूषण ने प्रदेश में 25वीं रैंक हासिल की है, जिनका आज मंगलवार को उनके निज निवास पर ग्रामीणों की ओर से माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इससे पूर्व डॉक्टर ब्रजभूषण को MA संस्कृत परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्ति के लिए राजस्थान के राज्यपाल ने गोल्ड मेडल प्रदान किया था। इन्होंने UGC द्वारा आयोजित नेट एवं RJF परीक्षा 25 व 73 कोड से उत्तीर्ण की है। डॉक्टर शर्मा दो पुस्तकों के लेखक हैं एवं इनके 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध पत्रों को रेडफील्ड जर्नल ने प्रकाशित किया है। इन्होंने 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और परीक्षा संगोष्ठी तथा कार्यशालाओं में भाग ग्रहण किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर ब्रजभूषण को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न शैक्षिक स्पर्धाओं में अब तक 25 से अधिक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने समस्त परिवारजनों, मित्रों व शुभचिंतकों के द्वारा दी गई प्रेरणा को दिया है। पंचायत सहायक संघ ने की शिक्षा मंत्री डोटासरा के बयान की निंदा। राजस्थान पंचायत सहायक संघ धौलपुर के जिलाध्यक्ष संतोष कौशिक के नेतृत्व में CM अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष संतोष कौशिक ने बताया कि ज्ञापन में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत सहायकों को RSS का एजेंट बताया है। इसकी प्रदेश भर में संघ ने घोर निंदा की है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है एवं ज्ञापन में बयान वापस लेने एवं संघ से माफी मांगने की मांग की गई है। प्रदेश महासचिव शिवकुमार शर्मा ने सरकार को चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार पंचायत सहायकों को नियमित करने के वादे पर अमल करते हुए शीघ्र नियमित करने की मांग की है, नहीं तो शीघ्र संघ जयपुर से दिल्ली कूच कर कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में महापड़ाव डाला जाएगा। राजस्थान पंचायत सहायक संघ के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर में पंचायत सहायक संघ ने जिला कलेक्टर साहब को CM के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान की घोर निंदा की है, भर्त्सना की गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी ने पंचायत सहायकों को RSS का एजेंट बताया है, जो कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। हम इस बयान की निंदा करते हैं और CM साहब से मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री शीघ्र ही संगठन से माफ़ी मांगें और हमें अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे अनुसार हमें शीघ्र नियमित करें, अन्यथा प्रदेश के 27,000 पंचायत सहायक जयपुर से दिल्ली कूच करेंगे और कांग्रेस के मुख्यालय पर महापड़ाव डालेंगे, घेराव करेंगे। ये सरकार 6,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, न सरकार हमारा पेमेंट बढ़ा रही है और सरकार की किरकिरी हो रही है इस समय पूरे देश में, फिर भी ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं संतोष कौशिक, जिला अध्यक्ष पंचायत सहायक संघ धौलपुर। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा
हाल ही के दिनों में जो बयान दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पंचायत सहायक आरएसएस के एजेंट हैं, इस कड़ी को जो उन्होंने चलाई है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि सरकार का मंत्री बहुत जल्द से जल्द मीडिया के माध्यम से हमारे संगठन से माफ़ी मांगे, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। माननीय मंत्री महोदय बार बार विधानसभा में भी उन्होंने ये कहा गैर दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दूदिया खान का निधन, कस्बे में छाई शोक की लहर। वाड़ी निवासी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दूदिया खान का 95 वर्ष की आयु में आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे के करीब आकस्मिक निधन हो गया। निधन की सूचना से परिवारी जनों सहित कस्बे वासियों में शोक छा गया। आपको बता दें कि दूदिया खान कांग्रेस पार्टी के कई पदों पर रह चुके थे और सक्रिय राजनीति में अपना स्थान रखते थे। वे वाड़ी के पूर्व विधायक दलजीत सिंह चीकू के बेहद नज़दीक माने जाते थे। हसमुख मिलनसार व सरल स्वभाव के होने के नाते सभी छोटे बड़ों के चाहते थे। फिलहाल वे लगभग एक महीने से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके चलते आज मंगलवार को उनका निधन हो गया। दूदिया खान के निधन पर वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक दलजीत सिंह चीकू, जसवंत सिंह गुर्जर, वाड़ी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, अजमेर सिंह यादव, पूर्व वाइस चेयरमैन राजकुमार भारद्वाज, प्रमोद शर्मा खिदरपुर वाले, मलिक जावेद खान, राम सेवक अजर, पाड़ी नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि उत्तम सिंह, उपाध्यक्ष अहमद जमा सहित आमजन व राजनीति पार्टी के लोगों द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया है। साथ ही फर्स्ट ट्रैक धौलपुर परिवार भी शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता है। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की तीन बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिंपोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950518818। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटा घर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। ब्रिगेडियर वीके रोतेला ने किया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का दौरा। ब्रिगेडियर वीके रोतेला स्टेशन कमांडर भरतपुर दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर आए, जिनका प्राचार्य ले कर्नल श्याम कृष्णा, टीपी मेजर विवेक प्रधान, प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। वे कल विद्यालय के अकादमिक परिसर में पहुंचने के बाद शिक्षकों एवं कर्मचारी गणों से प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया। तत्पश्चात उनको विद्यालय में चल रहे क्रियाकलापों से अवगत कराने के बाद विस्तृत प्रस्तुतिकरण उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर वीके रोतेला विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो कि सन 1987 में पास आउट हुए थे। उन्होंने विद्यालय का सघन दौरा किया तथा विद्यालय को उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय में अध्ययन के दौरान की स्मृतियों को भी तरोताजा किया तथा वे जिन कक्षाओं में पढ़े व जिन प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए उनको देखकर अतीत की सुंदर स्मृतियों में खो गए। विद्यालय में 21 जून 2021 को विश्व योग दिवस के अवसर पर
देश में स्थित समस्त राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के छात्रों के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त किया तथा इसका श्रेय प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी के नेतृत्व में शिक्षक गणों समस्त स्टाफ एवं छात्रों के कठोर परिश्रम को दिया तथा आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी विद्यालय सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष ललित त्यागी, छात्रावास अधीक्षक वनवारी सिंह परमार, लेखाकार घनश्याम सिंह, नर्सिंग सहायक नायक अखिल MMTS धर्मपाल एवं MTS सतीश कुमार को सेवा के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्यों, कर्तव्य निष्ठा एवं संस्था के प्रति समर्पण भाव के लिए प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया। अंत में प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि विद्यालय इसी प्रकार प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। अफजलपुर के रामेश्वर जाटव हत्याकांड को लेकर SP को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव अफजलपुर में रामेश्वर जाटव हत्याकांड को लेकर आज मंगलवार को पीड़ित पक्ष के लोगों ने धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हत्याकांड में शेष रहे आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव अफजलपुर थाना कंचनपुर बाड़ी में हुए रामेश्वर जाटव हत्याकांड को आज तक लगभग 1 माह 22 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जिससे समाज में काफी रोष है और हत्या आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं तथा राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। मृतक के भतीजे सचिन की ओर से दिए गए ज्ञापन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने के विरोध में 23 जून 2021 को सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना देकर प्रदर्शन करने की बात कही है। वहीं इस मामले में कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि इस मामले में 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ फरार चल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम सचिन और मैं अफजलपुर से हूँ और मेरे चाचा जी की हत्या कर दी गई थी 29/4/2021 को और उस हत्या में अभी तक पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और 3 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक 5-6 जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। नए भवन में शिफ्ट हुई क्षेत्रीय बड़ौदा ग्रामीण बैंक वसीड़ी की शाखा, अतिथियों ने काटा फीता। जिले के वसीड़ी कस्बा के जगनेर बाईपास मार्ग स्थित क्षेत्रीय बड़ौदा ग्रामीण बैंक शाखा वसीड़ी अब पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो गई है, जिसको लेकर मुख्य अतिथि पूर्व व्याख्याता महेश चंद पचौरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके अलावा बैंक परिसर को गुब्बारों सहित अन्य सामग्री से सजाया गया। शाखा प्रबंधक प्रवीण पचौरी ने बताया कि पुराने भवन में जगह का अभाव था, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते पुराने परिसर के समीप ही एक नवीन भवन में शाखा को शिफ्ट किया गया है। इस दौरान रामगोपाल सिंह परमार, अरविंद तिवारी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मथुरा वृंदावन में संपन्न हुई अग्रवाल सम्मेलन की बैठक। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ब्रज प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी एवं प्रदेश परिषद की बैठक वृंदावन मथुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री, प्रदेश प्रभारी एवं चुनाव पर्यवेक्षक प्रेम मंगल एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद गोयल द्वारा प्रदेश कार्य समिति के चुनाव संपन्न कराए गए। बैठक में धौलपुर निवासी प्रेम मंगल ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज में निर्विरोध चुनाव उस समाज की एकता और संगठन का पर्याचक होते हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रदेश के 15 जिलों के पदाधिकारियों सहित अग्रबंधु उपस्थित रहे। सैपो पुलिस ने कार्रवाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध चंबल बजरी ले जाते हुए एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सैपो पुलिस के द्वारा चंबल बजरी के परिवहन पर रोकथाम के लिए नाकाबंदी करते हुए कार्रवाई की गई है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से चंबल बजरी भरकर ले जाते हुए एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया गया है। सैपो थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में चंबल बजरी की निकासी पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है,
जिसको लेकर आज मुरली बसई मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान दीवान सिंह पुत्र सूबेदार गुर्जर उम्र 48 साल निवासी खटाने का पुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर के द्वारा ट्रॉली में चंबल बजरी भरकर अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने अवैध चंबल रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा धौलपुर शहर एवं कोठी मंडल द्वारा सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा द्वारा की गई। वह मुख्य अतिथि जिला महामंत्री सतेंद्र पारासर एवं विशिष्ट अतिथि कमल पाड़िया रहे। कार्यक्रम की विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण करके किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं जिला मंत्री विनय परमार द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। परमार ने कहा कि सुंदर सिंह भंडारी जी का जन्म 12 अप्रैल 1921 को उदयपुर के एक जैन परिवार राजस्थान में हुआ। भंडारी जी के पिता डॉक्टर सुधांशु भंडारी डॉक्टरी पेशे से संबंधित थे। उनकी शिक्षा कई स्थानों पर हुई। उन्होंने उदयपुर के सिरोही से इंटरमीडियम परीक्षा पास की और DBA कॉलेज कानपुर से BAMS किया। 1998 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ तथा इन्हें बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1999 में इन्हें गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। 22 जून 2005 को इनका स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री सतेंद्र पारासर ने कहा कि इनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। नगर महामंत्री मुकेश सक्सेना ने कहा कि इन्होंने आध्यात्मिक पदों पर रहकर भी साधारण जीवन जिया। शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि उन्होंने राजस्थान के साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया। विशंबर दल शर्मा ने उनके संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। संयोजक विनय परमार ने अंत में सभी को धन्यवाद दिया। सदर बाजार बाड़ी के व्यापारियों ने दिया चेयरमैन को ज्ञापन। सदर बाजार तिराहे बाड़ी पर काफी समय से डाले जा रहे कूड़े को लेकर सदर बाजार व्यापारियों ने चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव को मंगलवार को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया है कि आए दिन नगर पालिका सफाई कर्मियों द्वारा बीच बाजार में कूड़ा डाल दिया जाता है, जिससे अल सुबह व्यापारियों द्वारा उसी गंदगी की बदबू में मजबूरी में दुकान खोलनी पड़ती है। व्यापारियों ने चेयरमैन प्रतिनिधि से आग्रह किया है कि इस कूड़े को दुकानों के आगे न डालकर दूसरी जगह डाला जाए। ज्ञापन देने वालों में महेश हंसपुरा वाले, रामनिवास हंसपुरा वाले, अशोक गोयल, गुदरिया संजय आदि लोग मौजूद रहे। राजेंद्र राणा बने वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन के धौलपुर जिलाध्यक्ष। धौलपुर निवासी राजेंद्र सिंह राणा को वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन का धौलपुर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश सिंह जाट ने बीते दिन नियुक्ति पत्र जारी कर बताया कि वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन की कार्यसमिति बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजेंद्र सिंह राणा का समाज के प्रति सेवाभाव, लग्न, मेहनत, ईमानदारी को देखते हुए धौलपुर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद अध्यक्ष राणा ने उच्च नेतृत्व का आभार जताया है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब